प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा इतिहास नाम की किताब के हिंदी वर्जन का किया विमोचन। पीएम मोदी ने कहा कि करीब डेढ़ वर्ष पहले हम सब ने उत्कल केसरी हरेकृष्ण मेहताब जी की 120वीं जयंती मनाई थी, आज हम उनकी प्रसिद्ध किताब का कर रहे लोकार्पण। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बोला हमला, कहा कि ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट खिसकने का डर सता रहा, यही कारण है कि उनके चेहरे पर बौखलाहट साफ देखने को मिल रही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमरहट्टी राजरहाट और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो के दौरान सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा बंगाल की जनता ने फैसला कर लिया है कि ममता दीदी तोलबाजी तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य की जनता ने वोट देने का मन बना लिया है। एंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड एपीआई सचिन बाजे को एनआईए कोर्ट ने 23 अप्रैल तक भेजा न्यायिक हिरासत में, बाजे को रखा गया था एनआईए की हिरासत में, आज खत्म हुई मियाद। पीएम नरेंद्र मोदी के 5 दिनों तक टीका उत्सव मनाने की अपील पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी बड़ी समस्या, ये उत्साह का समय नहीं, अपने देशवासियों को खतरे में डालकर क्या वैक्सीन एक्सपोर्ट करना सही है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए यूपी सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों में सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों और ऑफिस में 50% लोगों की उपस्थिति का दिया आदेश, अब ऑफिस में 50% लोग ही कर सकेंगे काम। लॉकडाउन के डर के चलते एक बार फिर प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू, मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन, यूपी जाने वाली ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों की भीड़, पुणे और नागपुर में भी हाल बेहाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल शिक्षा की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गुरुग्राम सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों को 10 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की परियोजनाओं की दी सौगात, सीएम ने 4 परियोजनाओं की डिजिटल रूप से की शुरुआत। आरसीबी के खिलाफ आईपीएल के उद्घाटन मैच को लेकर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि उनकी टीम की भावना बिल्कुल ताजा और उत्साहित, रोहित शर्मा ने कहा कि मुंबई की टीम के खिलाड़ी अपने 6वें खिताब की तलाश के लिए हैं व्याकुल। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,31,968 नए मामले, 780 लोगों की गई जान, कुल मामले हुए 1,30,60,542। बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, एमपीएससी प्रवेश परीक्षा अगले आदेश तक टली।